केडी पाठक जी, कहिए, बैठ। मैं मिसेस उषा मधोक, ये मेरी बेटी गीता। बहुत जल्द इस पर अपने सौतेले पिता के कत्ल का इल्जाम लगने वाला है। सौतेले पिता के कत्ल का इल्जाम लगा। इससे पहले कि पुलिस आकर इसे गिरफ्तार करती, मैं सीधा आपके पास इसे लेकर आई हूं। दरअसल आज सुबह मेरे पति संजय मधो की लाश हमारे लोनावाला फार्म हाउस में मिली और उनकी लाश के पास उनका पालतू तोता चैको भी मिला और वो एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। केडी सर, मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा है। एक मिनट। एक तोता कह रहा है कि इन्होंने कत्ल किया है, इसलिए आप जी हाँ। देखिए मिसेस मधोक, तोते की गवाही अदालत नहीं मानती। अगर आपकी बेटी बेगुनाह है तो मैं बचा लूंगा। केडी आइए, इंस्पेक्टर दवे आइए। ये लड़की बेगुनाह नहीं है। ये रहा अरेस्ट वारंट, अटकली पनो। एक मिनट दवे, एक तोते के बयान के आधार पर तुम इस लड़की को अरेस्ट करो। केडी तोते के अलावा बाकी सबूत भी इसके खिलाफ है। रियली योर ऑनर, गीता मधोक की आंसुओं की बाढ़ उनकी बेगुनाही के दर्द की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है जज साहब, क्योंकि गुनाह करने के बाद ये पकड़ी गई। मिस्टर संजय मधोक एक बिजनेस टाइकून थे जिन्होंने दो तलाकों के बाद की अपनी तीसरी शादी मिस उषा मिश्रा से, जो कि वहां बैठी हैं। अब वो खुद एक डिवोर्सी हैं, जिनकी पहली शादी से उनकी एक बेटी है मिस गीता मिश्रा। मिस्टर संजय मधोक और मिस उषा मिश्रा की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी गीता अपने आप को गीता मिश्रा कहती है, गीता मधोक नहीं। मिस्टर संजय मधोक सौतेले थे, लेकिन थे तो आपके पिता। क्या बुलाते थे आप उन्हें प्यार से? पापा, डैडी, पॉप्स, व्हाट? जी मैं उन्हें मिस्टर मधोक ही कहती थी। क्यों? क्या वो आपके दिल में पिता की भावना नहीं जगा सके? जी नहीं, मेरी माँ ने भले ही उन्हें अपना पति माना हो, लेकिन मैंने उन्हें अपना पिता कभी नहीं समझा। इनफैक्ट आपने तो हमेशा से उन्हें अपना दुश्मन समझा, am I right? दुश्मन तो हम थे उनके। उस आदमी ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी, अपने अंगूठे के नीचे रखता था बात बात पर शक करना, और अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो बस मार कुटाई शुरू। जल्लाद था वो आदमी, जल्लाद।
बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया उसने? क्या ये सच है कि एक हफ्ते पहले आपके बर्थडे पार्टी के दिन आप दोनों के बीच बड़ा सा तमाशा हुआ था, तू मैं हुई थी, जहाँ के आपके पिता ने मिस्टर मधोक ने आपको चोर कहा था? चोर? मिस्टर मधोक को ये लगता था कि सबकी नजर उनके पैसों पर है, मेरा बर्थडे भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। मन तो आया कि मैं उन नहीं बेटी, नहीं नहीं मिसेस मधोक, इस तालाब से सुलगते ज्वालामुखी को आप कब तक शांत रख सकती हैं? एक ना एक दिन तो इसे फटना ही था, और जिस दिन वो फटा उस दिन निकली एक गोली जो सीधा मिस्टर मधोक के सीने को चीर कर बुझाने चली मिस गीता के इंतकाम के प्यास को। क्या बात है मिस केसवानी, क्या बात है, मजा आ गया। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि आप किसी रहस्यमय फिल्म की पटकथा लिख रही हैं। आई एम सीरियस केडी, इस लड़की ने मिस्टर मधोक का कत्ल किया है, लोनावला में उनके फार्म हाउस जाकर उन पर गोली चलाई है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। या राइट, तो इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर का कोई सबूत है आपके पास, कोई गवाह, आई मीन उस तोते के अलावा? हाँ, इस केस में एक तोता भी है मिस केसवानी। जी योर ऑनर, तोता भी है, मिस्टर मधोक का पालतू तोता चैको, जो मर्डर के वक्त लाश के पास था। मैं अदालत में चैको को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। I object, Your Honor, it's ridiculous. Unfortunately or fortunately, ये तोता इस केस का इकलौता गवाह है। Your Honor, एक तोते की गवाही is not admissible in a court of law. इकलौता गवाह है Your Honor. I still object, Your Honor. इजाजत। Thank you, Your Honor. जब से मिस्टर मधोक का खून हुआ है तब से ये तोता बस एक ही बात दोहरा रहा है, जो है ऑर्डर ऑर्डर। चैक, बोलो गीता ने क्या किया? गीता, गोली मत चलाओ गीता। ऑर्डर ऑर्डर। सर सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा है। तो क्या ये तोता झूठ बोल रहा है? तो क्या तोते ने सच बोलने की कसम खाई है? ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर। तोता तोता होता है, उससे जो रटवाओगे वो बोलेगा। तोते के बड़बड़ाने से थोड़ी कोई केस बन सकता है, थोड़ी कोई गवाही मानी जा सकती है। कम ऑन केडी, मैं एक तोते को इस केस में गवाह नहीं बनाने वाला। लेकिन ये जो कह रहा है इसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इसलिए बस हम इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके जाने देंगे उसे। तोते का स्टेटमेंट लेंगे आप? योर ऑनर, जैसे मैंने कहा, तोते को जो रटवाओगे वो बोलेगा। और वैसे भी एक बात सोचने वाली है कि तोते को कुछ ठिकाने में महीने लग जाते हैं, लेकिन यहां तो जिस दिन से मिस्टर मधोक की मौत हुई है ये गीता गीता कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। किस किताब में लिखा है केडी कि एक तोते को सीखने के लिए महीने लग जाते हैं? आम बात है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ज्यादातर? हमेशा नहीं। व्हाट यू ट्राइंग टू से? इंसानों की तरह हर तोते का भी अलग अलग ग्रास्पिंग पावर होता है। तोते के ग्रास्पिंग पावर की बात कर रहे हैं। बोलो किसवानी। ऑर्डर ऑर्डर। चैको बैड बॉय। बोलो किसवानी। चैको बोलो किसवानी। मिस केसवानी, शायद इसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी मजबूत नहीं है। महीने कह रहे थे ना तुम, कितना वक्त लगा केडी? 40 सेकेंड्स। स्टिल अ तोता योर ऑनर। योर ऑनर, अगर ये तोता ना भी होता तब भी गीता मिश्रा इस कटघरे में खड़ी होती, क्योंकि जिस बंदूक से संजय मधोक का कत्ल हुआ वो बंदूक पुलिस को संजय मधोक के फार्म हाउस के बाहर एक कचरे के डब्बे में मिली, जिस पर फोरेंसिक्स के अनुसार गीता मिश्रा की उंगलियों के निशान है। मिस गीता, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपको बताती हूँ कि इस गन पर मेरी उंगलियों के निशान कैसे आए। उस दिन मैं मिस्टर मधोक से मिलने सुबह फार्म हाउस गई थी, लेकिन डोरबेल बजाने के बावजूद
उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मुझे लगा शायद वो सो रहे हैं, इसलिए मैं वहां से जाने लगी कि अचानक एक गमले में मैंने इस गन को देखा। मुझे लगा कि शायद ये मिस्टर मधोक की गन है। अगर ऐसा था तो तुमने वो गन कचरे में क्यों फेंकी गीता? कुछ दिन पहले एक लड़ाई के दौरान मिस्टर मधोक ने मेरी माँ को गोली मारने की धमकी दी थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने वो गन फेंक दी। पर मुझे नहीं पता था कि इसी गन से उनकी हत्या हुई है। बाय द वे गीता, मिस्टर मधोक जिन्हें तुम्ही ने कुछ ही देर पहले जल्लाद कहा था, इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्यों मिलने गई थी? वो मिस्टर मधोक को ऐसा लग रहा था कि मैंने उनकी कंपनी से पैसों के फेरबदल किए हैं और वो पुलिस को बुलाने वाले थे। उनकी इसी गलतफहमी को दूर करने मैं वहां पर गई थी। कितने पैसों की फेरबदल की था? वो कुछ 8 करोड़ की। Quiet, please. 8 करोड़ की? कुछ तुम उसे मामूली फेरबदल कह रही हो गीता? ये तो बहुत बड़ा गबन है, स्कैम है, तो फ्रॉड। इसीलिए मारा तुमने मिस्टर मधोक को? मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही मैंने वो पैसे लिए हैं। लिए हो या ना लिए हो, अब उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो कुछ 8 करोड़ उन 100 करोड़ के नीचे दबने वाले हैं जो अब तुम्हारी माँ को मिलेंगे मिस्टर संजय मधोक की मौत के बाद। डिफेंस, गीता माफी चाहता हूं, सवाल थोड़ा निजी है लेकिन जवाब देना पड़ेगा। आपकी कमर कितनी है? मेरा मतलब है आप किस साइज का जीन्स पहनती हैं? 26 जी। और कुर्ता? स्मॉल साइज। क्या ये कपड़े आपके हैं? जरा बताइए। अदालत, नहीं ये कपड़े मेरे नहीं है। कभी आपने इन कपड़ों को पहले देखा? जी मैंने नहीं देखे। Your Honor, ये कपड़े मिस्टर संजय मधो के फार्म हाउस के बेडरूम की अलमारी से पाए गए हैं। ये गीता के नहीं है क्योंकि ये इनकी साइज से बड़े हैं। ये मिसेज उषा मधो के नहीं है क्योंकि ये उनकी साइज से छोटे हैं। यानी कि किसी तीसरी औरत के। Your Honor, ये कपड़े मिस्टर संजय मधो की पड़ोसन मिस बालाकृष्णन की है जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। हाँ तो मिस बालाकृष्णन, सुना है कि आप राइटर हैं, लेखिका हैं, क्या लिखती हैं आप? जी मैं नोवेल लिखती हूँ। अच्छा। अक्सर लोनावाला में अपने फार्म हाउस जाकर, जो मिस्टर मधोक के फार्म हाउस के काफी नजदीक है। जो मिस्टर मधोक के फार्म हाउस के काफी नजदीक है, इतना नजदीक है योर ऑनर कि इनके कपड़े उनके बेडरूम तक पहुंच गए। ये कपड़े मेरे नहीं है। ये कपड़े आपके नहीं है? ताज्जुब की बात है मिस बालाकृष्णन, क्योंकि आपके कपड़ों पर जो लॉन्ड्री का टैग लगा हुआ है SM लॉन्ड्री, इनके मालिक का ये कहना है कि ये जी ये कपड़े मेरे हैं। सच बोलना अच्छी आदत होती है।
चलिए अब सच सच ये भी बता दीजिए कि आपके और मिस्टर मधोक के बीच क्या रिश्ता था। संजय और मैं गहरे दोस्त थे? जी नहीं। गहरे दुश्मन थे? जी जी, गहरे दुश्मन इसलिए है मिस बालकृष्ण, क्योंकि ये गन जिस पर योर ऑनर गीता मिश्रा की उंगलियों के निशान है, ये गन आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये गन आपकी है, क्या ये सही है या नहीं? जी, और क्या ये भी सही है या नहीं कि आपका पूरा नाम मिस गीता बालकृष्णन है? ऑर्डर ऑर्डर। जी, मेरा नाम भी गीता है, पर मैंने तोते को नहीं, मैंने संजय मधोक को नहीं मारा। गन नीचे रखो गीता, गोली मत चलाओ गीता। गीता, गन नीचे रखो, गोली मत चलाओ गीता। गीता, गोली मत चलाओ गीता। Your Honor, तोता भी मेरी बात से सहमत। एक बात जानना चाहूंगा आपसे मिस बालकृष्णन, मिस गीता बालकृष्णन, क्या आपके कपड़े और आपकी पिस्तौल संजय मधोक जी के घर पर पहुंची कैसे और क्यों? जी, संजय और मेरे बीच अफेयर चल रहा था, इसलिए। अक्सर हम अपना वीकेंड उस फार्म हाउस पे गुजारा करते थे। एक ऐसे ही वीकेंड पर उसने मुझसे गन ली थी। कमाल है, इतना प्यार की उन्होंने गन मांगी और आपने दे दी, क्यों भी नहीं पूछा? संजय का कहना था कि उसकी कंपनी से किसी ने 8 करोड़ रुपए की चोरी की है। संजय ऐसा इंसान था जो 1 रुपए की चोरी को भी माफ नहीं करता। गन उसने उसको धमकाने के लिए मांगी। यानी कि गीता मिश्रा, जिन्होंने मिस्टर मधो की कंपनी से 8 करोड़ का गबन किया। मियर स्पेक्यूलेशन योर ऑनर, ये जानकारी ना तो प्रोसिक्यूटर साहिबा के पास है ना मेरे पास। जिनके पास है, मैं चाहता हूं कि वो कटघरे में आकर इस बात पर रोशनी डाले। मिस्टर संजय मधोक के ऑडिटर मिस्टर अनंत दिघे। योर्नर, मैं एक ऑडिटर हूँ। 11 जुलाई को संजय मधोक ने अपनी कंपनी के अकाउंट्स पर स्पेशल ऑडिट का काम मुझे सौंपा था। उन्हें शक था कि कोई जाली पेपर बना के उनके फंड्स की चोरी कर रहा है। तो मिस्टर डिगे, क्या ये चोर आपको मिला? सॉरी, मैं पूछ रहा था कि क्या ये चोर आपको मिला? जी, 1.5 महीने की कोशिश के बाद वो 8 करोड़ का गबन करने वाला हमें मिल ही गया। गीता मिश्रा? जी नहीं, मिस्टर ब्रिज कोटियाल। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर संजय मधो की कंपनी के जनरल मैनेजर। तो मिस्टर डीए, क्या आपने मिस्टर मधोक को इत्तला की इस बारे में? जी, इस बारे में मैंने उन्हें उनके कत्ल की रात फैक्स भेजा था, लेकिन फैक्स पढ़ने से पहले ही शायद उनकी मौत हो गई थी। इसका मतलब योर ऑनर कि मिस्टर संजय मधोक का गीता मिश्रा पर शक करना गलत था। थैंक यू मिस्टर डिगे, आप जा सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर संजय मधोक के जनरल मैनेजर मिस्टर ब्रिज कोटरियाल को। मैं मानता हूं वो सारे पैसों की चोरी और अकाउंट का फेरबदल मैंने ही किया था, लेकिन मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा, जैसा मैंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा। कोटरियाल, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि वारदात की रात 10 बजे मिस्टर मधोक के फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार आखिरी फोन उन्होंने आपको किया था, वो भी मिस्टर डिगे के उनको फैक्स भेजने के 5 मिनट बाद। आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर कोटरियाल कि मिस्टर डिगे ने मिस्टर मधोक को फैक्स भेजा, जिसे पढ़कर
मिस्टर मधोक ने आपको फोन किया, आपको लगा कि आपका केस खत्म हो गया और आपके गबन की बात आम हो जाए उससे पहले आप। नहीं वकील साहब, उन्होंने किसी दूसरी वजह से फोन किया था। अरे वो तो मंडे का मीटिंग कैंसिल करवाना चाहते थे और उस फैक्स के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। क्योंकि उन्होंने वो फैक्स पढ़ा ही नहीं था। और एक बात, मिस्टर कोचियल का पहला नाम ब्रिज है, गीता नहीं। मिस्टर कोचियल सच कह रहे हैं या झूठ वो अभी पता चल जाएगा। क्योंकि योर ऑनर, उस रात 10 बजे मिस्टर मधोक अपने फार्म हाउस में अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके पड़ोसी कर्नल रंजीत थापर। मैं और संजय बहुत पुराने दोस्त थे। इनफैक्ट 2 साल पहले वो फार्म हाउस संजय को मैंने ही बेचा था। उस रात हमेशा की तरह मैं और संजय साथ ही में बैठे थे, गप्पे लड़ा रहे थे कि यार थावर, तू तो आर्मी वाला है ना, कोई अच्छी सी सिक्योरिटी बता, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। क्यों, तुझे कौन धमका रहा है? अरे वो मेरी सौतेली बेटी गीता, यकीन नहीं होता, उसी लड़की ने मेरी कंपनी के अकाउंट से 8 करोड़ का घपला किया है। 8 करोड़, कैन यू बिलीव इट? और उसे पता है कि ये बात मैं जानता हूं। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए उस लड़की को अंदर करवा दूंगा। तो तुझे डर है कि इससे पहले कि तू कुछ करे वो तेरी जान ले लेगी? कोई शक है? हेलो कोटरियाल, वो मेरी मंडे वाली मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके। तो मिस्टर मधोक को तब भी ये गलत फहमी थी कि गीता मिश्रा ने ही गबन किया है। जी मुझे लगता नहीं कि संजय ने फैक्स देखा हो। जय झूठा! गीता, बोली मत चलाओ गीता। बंदूक पर उंगलियों के निशान, गवाहों के बयान और तोते का बार बार गीता गीता कहना, ये सब यही साबित करता है कि गीता मिश्रा ने ही कत्ल किया है। मरने वाले को खुद ये डर था कि गीता उसकी जान लेगी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है जज साहब? प्रोसिक्यूशन की ये मांग है कि इस लड़की गीता मिश्रा को दफा 503 फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दफा 302 मर्डर के तहत इतनी लंबी सजा दी जाए कि वो दिन गिनते गिनते थक जाए। नहीं, नहीं जज साहब, मेरी बेटी को उसके केक की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उसने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया, अपनी माँ के लिए। मिसेस मधोक, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि गीता ने वो कत्ल किया है? नहीं, लेकिन जिस तरह से हालात थे मुझे लगा शायद मेरी बेटी ने। देखिए मिसेस मधोक, आपने अदालत में जो किया, भरी अदालत में जज के सामने, कुल मिला के आपने केस प्रोसिक्यूशन को जितवा दिया, अपनी बेटी को सजा सुना दी आपने। आई एम सॉरी, लेकिन मैं डर गई थी। इस तरह की भाषा कौन कौन सिखाता है? पता नहीं, मैंने तो इसे कभी अपने पास नहीं रखा है, लेकिन ये गीता से काफी घुला मिला हुआ है। ये तो तमिल बोल रहा है। तमिल में बंदर को कुरंग कहते हैं और मुंजी मतलब फेस, यानी कि बंदर जैसा मुंह। मिसेस मधोक, आपके घर में कोई है जो तमिल बोलता है, आप या गीता या कोई और? जी नहीं। अच्छा, फिर इसने तमिल बोलना कहाँ से सीखा? गीता, माफी चाहता हूँ, सवाल थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा टेढ़ा है। आपका इस तोते के साथ कैसा रिश्ता है? जी, चैको ज्यादातर मेरे साथ ही रहता था और मैंने उसे कई वर्ड्स भी सिखाए थे, जैसे कि गुड मॉर्निंग, हेलो।
और कुछ गीता? जब मैं अपनी उंगली उसके सामने रखती थी तो बड़ी अच्छी तरीके से वो उस पर आकर बैठ जाता था। यानी कि आप और चैको के बीच इतनी दोस्ती थी कि वो आकर आपकी उंगली पर बैठ जाता था। योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि इन्हें मौका दिया जाए कि ये वहां जाकर अपनी बात का प्रदर्शन कर सके। इजाजत है। चैको, गुड बॉय, कम। इसने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए क्या किया? क्योंकि वो जानता है कि तुम ही कातिल हो। बिल्कुल गलत सोच है आपकी प्रोसिक्यूटर साहब। मैं अलाउ मी टू एक्सप्लेन। गीता आप आइए। योर ऑनर, इस तोते ने जो किया इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, क्योंकि ये चैको है ही नहीं। क्वाइट प्लीज। व्हाट? हाँ, ये चैको है ही नहीं। चैको की तरह दिखने वाला कोई दूसरा तोता है। योर ऑनर, जरा सोचिए, कुछ ही दिनों में इस तोते का शब्दकोश ही नहीं व्यवहार भी बदल गया। जिसे ये सिखाया गया है, गीता गन नीचे रखो, गीता गोली मत चलाओ, ये गाली देता है, अलग भाषा में बात करता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये चैको नहीं, इसके रूप का कोई और तोता है। वेरी इंप्रेसिव। वैसे इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास केडी? योर ऑनर, इस तोते को अलेक्जेंडर तोता कहा जाता है और इस तोते के डीलर्स मुंबई में बहुत कम है। मैंने पता करवाया है कि पिछले दिनों में कितने लोगों ने अलेक्जेंडर तोते खरीदे। तो क्या पता लगा? दुर्भाग्यवश अभी तक तो कुछ पता नहीं चला योर ऑनर, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मुझे कुछ कुछ अंदाजा है कि ये तोता किसका है। ये तोता मेरा नहीं है, इसे मैंने नहीं खरीदा। गीता जी, ये तोता उस दिन मेरे दफ्तर में तमिल में गालियां दे रहा था, और इस केस से जुड़े सारे लोगों में से सिर्फ एक आप ही हैं जिसको तमिल आती है। अगर ये तोता आपका नहीं है तो इसे तमिल किसने सिखाया होगा? और गीता कृष्णन ने तोते को ये भी सिखा दिया, गन नीचे रखो गीता, गोली मत चलाओ गीता, ताकि आगे चलकर तोता उसे ही अदालत में फंसा सके। कहो केडी, क्या केसवानी की बात का जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है, बट इनफैक्ट मैं इस केसवानी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। Your Honor, इस तोते के डैडी यानी कि अप्पा मिल गए हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। वनकम सर, वनकम। मेरा नाम मुत्तू है, क्राफर मार्केट में मेरा बिट का दुकान है। ये तोता राजू मेरा दुकान से खरीदा था 2 महीने का पहले। तो इस तोते की मेरा मतलब है इस तोते की बिक्री की कोई रसीद कोई बिल साथ में लाए हैं? है ना सर, लाया है। ये देखिए, चौदह जून को आपने ये अलेक्जेंडर पैरेट बेचा। मिस्टर ब्रिज कोटरियाल को योर ऑनर। हाँ सर, उधर बैठा रहा, वही साफ है। उसने धोता खरीदा। हाँ सर, उसको एक दूसरे जूते का एग्जैक्ट कॉपी चाहिए था। माफी चाहता हूं मिस्टर कुरियल, रहा नहीं जा रहा मुझसे, आपके तो तोते उड़े हुए लग रहे हैं। क्या बात है? आप ठीक कह रहे थे वकील साहब, ये तोता चैको नहीं है। असली चैको
सही सलामत मेरे दोस्त के घर पर है। ये तोता मैंने मार्केट से खरीदा था और बहुत मुश्किल से इसे मैंने गीता के खिलाफ बोलना सिखाया था। ऑर्डर ऑर्डर राइट। और ऐसा आपने क्यों किया ये भी अदालत को बता दीजिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने मिस्टर मधोक की कंपनी से 8 करोड़ का गबन किया था, इसलिए इससे पहले कि मिस्टर मधोक मुझे पकड़ते मैंने उन्हें जान से मारने का प्लान बनाया। लेकिन मैंने प्लान बनाया मारा नहीं जैसा, मैंने प्लान बनाया मारा नहीं। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर कोटलिया, प्लान बनाया लेकिन उन्हें मारा नहीं। अब तो साफ साफ साबित हो चुका है कि उनके मरने से सबसे बड़ा फायदा आप ही को था। सब मैं मानता हूं मुझे फायदा था लेकिन फिर भी मैंने उन्हें नहीं मारा। देखिए मैं आपको ठीक ठीक बताता हूं फिर हुआ क्या था। उस रात रात को ठीक 10 बजे मुझे मिस्टर मधोक का फोन आया। हेलो कोटलिया, फिर फार्म हाउस पहुंचो फौरन, अभी और इसी वक्त। उस फोन से मुझे अंदाजा हो गया था उस ऑडिटर से मेरे खिलाफ मिस्टर मधोक को सारे सबूत मिल गए होंगे। मैं बहुत डर गया था, मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और मैंने उस तोते को साथ लिया और मैं मिस्टर मधोक के फार्म हाउस पर पहुंच गया। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि फार्म हाउस का दरवाजा खुला हुआ है। मिस्टर मधोक, मिस्टर मधोक। और अंदर सोफे पर मिस्टर मधोक की लाश। मैंने करीब से देखा तो पता चला कि उन्हें किसी ने गोली से मारा था। फिर मैंने जमीन पर एक पेपर पड़ा देखा जिस पर ऑडिटर ने साफ साफ लिखा था कि सारे पैसों की चोरी मैंने की थी। उस वक्त तो मैंने वो फैक्स उड़ा लिया लेकिन घबरा गया कि कल को ऑडिटर अदालत में कह देगा कि चोरी मैंने की तो सब समझेंगे कि कत्ल भी मैंने किया। इसलिए ज़रूरी था कि मर्डर ना करते हुए भी मैं अपने आप को बचाऊं। इसलिए मैंने तोते बदले ताकि मुझ पर इल्ज़ाम आने से पहले गीता पर जाता और जैको को लेकर मैं वहां से भाग गया। My God, इतना बड़ा धोखा और अब तक हम इस बेचारी मासूम लड़की को दोषी ठहरा रहे थे जबकि सारी साजिश तुमने ही की थी। मैं मानता हूँ सब कुछ मैंने किया लेकिन मैंने खून नहीं किया। Shut up! तुम्हीं ने मारा है मिस्टर मधोक को और अब जब पकड़े गए हो तो बात बदल रहे हो। तुम एक बार हमें धोखा दे सकते हो, बार बार नहीं। योर ऑनर, इस आदमी को दफा 406, दफा 302 और दफा 503। एक मिनट, ये क्या कर रही है? क्या हुआ केडी, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हारे मुवक्किल को बचाकर इस केस में इंसाफ कर रही हूँ। लेकिन एक बेगुनाह को बचाकर दूसरे बेगुनाह को सजा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कैसा इंसाफ है ये? क्या कह रहे हो तुम केडी? तुम्हें लगता है कि मिस्टर कोटलिया सच बोल रहे हैं? मुझे लगता नहीं योर ऑनर, पूरा यकीन है कि मिस्टर कोटलिया सच बोल रहे हैं। ये सही है कि इन्होंने गबन किया, ये सही है कि इन्होंने मिस्टर मधोक को मारने का प्लान बनाया लेकिन इन्होंने मिस्टर मधोक को नहीं मारा। फिर कौन है मिस्टर मधोक का कातिल? योर ऑनर, मिस्टर डिगे ने मिस्टर मधोक को जो फैक्स पढ़ा, हम अब तक नहीं जानते थे कि मिस्टर मधोक ने वो फैक्स पढ़ा या नहीं, लेकिन कोटलिया साहब के बयान के बाद ये साबित हो गया है कि मिस्टर मधोक ने वो फैक्स पढ़ा था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी, इसका मतलब ये हुआ कि रात 10 बजे तक मिस्टर मधोक को पता चल गया था कि गबन मिस्टर कोटरियाल ने किया। करेक्ट। लेकिन कर्नल थापर ने अदालत में ये बयान दिया था कि मिस्टर मधोक ने उनसे कहा कि उन्हें यकीन है कि गबन गीता ने किया है और उन्हें सिर्फ सबूत का इंतजार है, उसके बाद गीता गई जी। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए उस लड़की को अंदर करवा दूंगा। ऑब्वियसली योर ऑनर,
कर्नल थापर ने झूठ बोला था। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। हाँ तो कर्नल थापर, उस दिन अदालत में ये गीता के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी आपने बनाई, क्यों झूठ बोला था? झूठी गवाही मेरी नहीं है, संजय मधोक की है। आप उसी से पूछिए गीता को लेकर उसने मुझसे क्यों झूठ बोला। I like it. बड़े शातिर हैं आप। आप जानते हैं कि संजय मधोक की लाश उठकर अदालत में आने वाली तो है नहीं गवाही देने, इसलिए आप ये सारा कुछ उस पर डाल रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट देकर अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तब भी कर्नल साहब मेरे मन में एक सवाल रह जाता है। उस दिन जब मिस्टर कोटरियाल ने अदालत में झूठी गवाही दी थी, आपने उस झूठ का साथ दिया था, आपने भी झूठी गवाही दी थी, क्यों ऐसा? उन्होंने किसी दूसरी वजह से फोन किया था। अरे वो तो मंडे का मीटिंग कैंसिल करवाना चाहते थे और उस फैक्स के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जी मुझे नहीं लगता कि संजय ने उस फैक्स को देखा था। मैं भी गीता को फंसाना चाहता था। आप भी गीता को फंसाना चाहते थे कर्नल साहब? मिस्टर कोटरियाल गीता को फंसाना चाहते थे ये बात तो समझ में आई, लेकिन आप क्यों फंसाना चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय मधोक का कत्ल गीता के सर पर डाल के आप खुद बचना चाहते थे? Am I right? I think I'm right. आप एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, ऐसा करके आप हमारे संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, विरुद्ध जा रहे हैं। वैसे भी आपकी ये खामोशी आपके काम नहीं आने वाली। अदालत में खामोशी के दो ही कारण होते हैं, या तो आप कुछ छिपा रहे हैं या संजय मधोक का कत्ल आपने किया। मैं वो एक गलती थी। कर्नल साहब, गलती का समाधान गलती मान लेने से होता है, सच को छिपाकर नहीं। अदालत को बताइए कि सच क्या है। चोर है, चोर, जहां देखो वही साले पीठ में खंजर भोंकने वाले चोर। हेलो कोटियार, फिर फार्म हाउस पहुंचो फौरन, अभी और इसी वक्त। क्या बात है संजय, इतने गुस्से में क्यों हो? जिसे देखो वही मेरा पैसा छीनना चाहता है। अपनों के नाम पर दुश्मनों से घिरा हूं मैं, दुश्मनों। कलयुग का जमाना है मेरे दोस्त, मत भूलो कि तुम भी उसी कलयुग का हिस्सा हो। था पर दोस्ती के नाम पर तुमने भी मुझे धोखा दिया है। फार्म हाउस के नाम पर मार्केट प्राइस से दोगुने रेट में बेचा है तुमने मुझे। क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, ये फार्म हाउस मैंने तुम्हें मार्केट रेट में बेचा है, बल्कि बेस्ट प्राइस में। हाँ बेस्ट प्राइस तुम्हारे लिए होगा, बेस्ट प्राइस मेरे लिए नहीं। दोस्त बनकर तुमने एक फार्म हाउस के नाम पर खंडर बेचा है, खंडर टूटा फूटा। अफसोस था पर कि तुम भी औरों की तरह एक चोर निकले। हाउ डेयर यू संजय, जबान पे लगाम दो, वरना। वरना क्या, क्या कर लेगा वरना? अरे पैसा तो तूने छीन ही लिया, अब क्या मेरी जान लेगा? क्या करेगा तू वरना? लेकिन लेकिन नीचे रखो, पता नहीं छीनने दूंगा, नीचे रखो। इज्जतदार आर्मी ऑफिसर के ऊपर चोरी का इल्जाम? मेरे सारे करियर में मेरे सीनियर से लेकर मेरे जूनियर तक
आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। सर ऊंचा और सीना चौड़ा रख के मैं आर्मी से रिटायर हुआ और उस आदमी ने मुझे चोट ठहरा दिया। उसकी इतनी हिम्मत, मधोक के लिए तो सभी चोर थे क्योंकि वो खुद एक चोर था। मेरे हाथों नहीं तो किसी और के हाथों मरता, किसी और के हाथों। ये अदालत संजय मधो की हत्या के लिए कर्नल थापर को दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर ब्रिज कोटरियाल पर धोखाधड़ी, गबन और सबूतों को बदलने के लिए कार्रवाई करने का हुक्म देती है। मिस गीता मिश्रा को इस केस में बेकसूर पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेचुलेशंस केडी, वेल डिजर्व्ड। बेटी, आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू केडी। एक मां होकर मेरा अपनी बेटी पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन तुमने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। केडी पाठक का सत्य पे से विश्वास कैसे उठ सकता है? ये तो मेरी लाइन है ना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।